अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीला व्लॉग्स। और रमज़ान सीरीज़ में आज जनाब छठे रोज़े की सहरी से लेकर अफ्तारी तक की रूटीन मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। और रमज़ान माशाल्लाह से इतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि आज छठा रोज़ा हो गया है और पता ही नहीं लगा। बस अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सहरी के बाद नमाज़ पढ़ी, अम्मा यहाँ पे कुरान पाक की तलावत कर रही थी और मैंने छोटे मोटे काम किए आंटी के साथ, उनके साथ किचन सारी सेट करवाई। अम्मी यहाँ पे कर रही हैं गंदम साफ। अमर पकड़ो, अमर ये लो, जो जो चीज़ें अबू ने कही ना वो ध्यान से लेके आनी है। ओके अच्छा जी, आज मेरे साथ साथ वॉइस ओवर देंगे मिस ज़ारा भी, और यहाँ पे दोनों शेफ जो हैं वो असर टाइम के बाद, नहीं असर से पहले, हम असर से नहीं जोहर से पहले, दो जोहर से भी पहले हम लोग पहुँच गए थे आज किचन में, क्योंकि बॉयल करना था ये बीफ पुलाव के लिए और इसके अलावा चिकन भी बॉयल करने के लिए रखना था, साथ बनाने थे चीज़ रोल। तो बस हम लोग आ गई थी तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब किचन में, नमाज़ हमने जोहर की भी बाद में पढ़ी थी। तो अब बाकी जो वॉइस ओवर है वो ज़ारा करेंगी मेरे साथ साथ। जी ज़ारा बोलें, आप क्या फरमाएंगी आज की रूटीन के बारे में, आप कुछ शब्द इरशाद फरमाएं। तो यहाँ पर मौसम काफी अच्छा था, हवा चल रही थी, आगे ये क्या दाने नजर आ रहे हैं दाने भी नजर आ रहे हैं। मैंने अम्मा के साथ गंदम साफ करवाई थी और उसका क्लिप रिकॉर्ड किया था, और यहाँ पे अब्बा लेके आ गए थे दाल के शामी कबाब खत्म हो गए दोबारा बनाओ, और चिकन भी साथ। मैंने कहा मुझसे तो नहीं इतने स्यापे होते, सो मैंने कहा चिकन उसको रखती हूँ फ्रिज में, बस कर दो। एक तो तुम हर जगह अपना क्रेडिट लेने बैठ जाती हो। अच्छा दाल को भी उठा के रख दिया, चिकन को भी फ्रीज कर दी, क्योंकि मेरे में आज ब्लैक पेपर को हमने किया। तो बस ज़ारा का आज इतना ही मूड था बोलने का, मैं अपनी ड्यूटी निभाते हुए आपको आगे बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने आज पूरा दिन क्या किया। अच्छा उसके बाद ही मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखी, और इसके अलावा यहाँ पे भी मेरी किचन में बहुत ज़्यादा मैस हुआ हुआ था, और मैंने सोचा आज मैंने मगरिब के बाद इसको ज़रूर ज़रूर साफ़ करें, यहाँ से ड्राई फ्रूट्स उठाए। और आज हम बना रहे सबसे पहले स्वीट डिश में रसमलाई। अच्छा रस मलाई में ये सिंपल सिंपल से स्टेप है सारे, वो फॉलो करते जाए और मज़ेदार सी रस मलाई बन जाएगी। और यहाँ पे असर की अजान होगी थी, करो क्रशी ने इसके ऊपर रख के कर लो, इसके ऊपर रख के कर लो। हाँ हाँ ऐसे ही मैं ही मैस करती हूँ, तुम तो बहुत साफ सुथरी बच्ची हो जी। अच्छा दूध हमारा बॉयल हो रहा है, पोड़िया ही दूध बॉयल हो रहा है इसके लिए, रस मलाई के लिए। और किस टाइम जैन की रूह आ जाती है और साथ बना लेते हैं रस मलाई वाला। अच्छा जोहर टाइम हम लोग आए थे, सबसे पहले मैंने बीफ रखा था बॉयल होने के लिए, साथ चिकन बॉयल होने के लिए रखा था, जब वो बॉयल हो गए फिर मैंने दूध रखा रस मलाई के लिए कि अच्छे से पक जाए, ताकि जितना ज़्यादा ये पकेगा उतनी ज़्यादा ही हमारी रस मलाई का जो फ्लेवर है वो इन्हांस होगा, वो मज़े का बनेगा। और इसके बाद असर की नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा आके मैंने ये बॉल्स बनाए, और इसको बनाने के बाद बस मैंने कहा सबसे पहले ये बना लो इसको साइड, क्योंकि इसके भी 2 से 3 स्टेप तो हैं ही हैं। तो यहाँ पर बस मैं बॉल्स बना रही थी, और इसके बाद से इसको बीच में डालना था, ऐड करने के बाद कोई 10-15 मिनट तक हमारी रस मलाई बन जानी थी। सो पहला तो हमारा आज का अफ्तारी का काम था वो वाइंड अप हो गया था ऑलमोस्ट हमारा। अब इसमें करते हैं क्या, इसको मिक्स करो, रुको इसको मिक्स, ओए सारा गिर रहा है, ज़रा एक मिनट सब्र कर लो। इसमें ना बादाम डाले आपने और काजू, बताते तो नहीं। हाँ बादाम और पिस्ता डाला है इसमें हमने क्रश करके, और अब ये जो गोलियाँ बनी हैं हमारी, ये बॉल्स जो हैं 3 बड़े बने, 3 मीडियम और 3 स्मॉल साइज में, इसको भी बीच में ऐड कर लेंगे, इसके आंच ज़रा तेज़ कर दो। और किचन में ना मेरी सबसे बड़ी जो हेल्पर है वो मेरी बहन है ज़ारा। अच्छा हम लोग साथ जब काम करते हैं नोक झोंक तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन मतलब मेरी इतनी हेल्प करवाती है ना मेरी शहजादी बहन, अल्लाह इसको खुश रखे, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, मेरे लिए तो सबसे स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट पर्सन है, लगता है तारीफ हजम नहीं हो रही तुम्हें कुछ ऐसा ही है बिड़ू अच्छा यहाँ पे जी हमारी रस मलाई जी तकरीबन बन चुकी थी, बस जो बॉल्स हैं उनका ये था कि वो थोड़ी फूल जाए। अच्छा जी अब जो हमारी बॉल्स हैं ना ये 2 से 3 गुना बड़ी हो चुकी हैं, फूल चुकी हैं, इन्हें ऐसे साइड इनकी टर्न कर देंगे और बस कोई 2 से 4 मिनट तक इसे हम उतार लेंगे और ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे, और ये हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रस मलाई तैयार है, बहुत मज़े की बनती है। और रस मलाई को आप इस बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर ये जो 3 खजूरें हैं किसी किधर गई हैं इसको इसके ऊपर डालते हैं, और एक तो हमारा काम हो गया अभी मुकम्मल, ज़रा उसको टर्न करो इसके अंदर। पहले घुमाया था
बस कर दो नबीला, मैं रखती हूँ नबीला। नहीं छोड़ दो, पकड़ लो उसको। तो अच्छा, इसमें शिफ्ट करने के बाद अब साथ दही भले बनाने थे तो उसको मैंने कहा हमेशा की तरह सिर्फ मैं बनाती हूँ, मुझे यही चीजें बनाने आती हैं। लेकिन यहाँ पे बाउल में मैं ही डाल रही हूँ। क्या दही भले भलिया डाल रही थी गर्म करने के लिए। अच्छा, जब मैं मीठे में कुछ बनाती हूँ तो मेरा दिल करता बस मैं उसको रिकॉर्ड करती जाऊँ करती जाऊँ करती जाऊँ। अच्छा जी, फाइनली मैंने अपने दिल को बड़े औखे तरीके से रोका कि भाई बस कर दो बस कर दो, रसमलाई को कितना को कैप्चर करना है तुमने। उसको मैं फ्रिज में रखा ही थी। और अब जो नेक्स्ट हमारी रेसिपी है उसकी तरफ आए हैं। हम लोग चिकन लिया था मैंने यहाँ पे बॉयल, और ये है जी 4 से 5 आलू कचालू, ये बॉयल है, इनको इस तरह से मैश कर लेना है। और इसके बाद अपनी हसबे ज़रूरत या हसबे जायका सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेने हैं। और मैं आजकल यही कोशिश कर रही कि काफ़ी ज़्यादा फ्राई आइटम्स होते हैं तो जो स्पाइसेस हैं वो एटलीस्ट कम से कम रखे जाएँ ताकि वो खाए जाएँ और वो खाने में अच्छे लगे। अच्छा, स्पाइसेस कम होते हैं ना तो फिर खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है, इस तरह की फ्राई चीज़ें जो फ्राई आइटम्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे सारे स्पाइसेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसी तरह इनको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना ये जो हमारा मिक्सचर है सारा, और दैट्स इट। ये बड़ी सिंपल सी आसान रेसिपी है लेकिन खाने में इतनी मज़े की थी, इतनी मज़े की थी, यकीन माने। अम्मा मुझे कह रही थी कि बस अब तुम पकौड़ों की जगह ना डेली यही बनाया करना। अच्छा, रोज़े में ना हमारे जो स्पाइसेस की मेजरमेंट होती है ना वो बस अपने अंदाजे से ही हमें करनी होती है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेजरमेंट बहुत कमाल की, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे स्पाइसेस ज़्यादा या कम हुए हों। अच्छा, जो खाना है ना, मैं पहले भी हमेशा ये कहती होती हूँ अपनी पिछली वीडियोस में जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग किया करती थी, कि जो खाना बनाना होता है ना ये टोटली एक पैशन है। अगर आपको खाना बनाने से मोहब्बत है तो आप खाना बना सकते हो, नई नई डिशेस या नई नई रेसिपीज ट्राई कर सकते हो। और अगर आपकी जाती है जान किचन में आने से तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप खाने को सिर्फ मगरू ही ला सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा की तरह कुकिंग की बहुत बड़ी लवर हूँ और मुझे पसंद भी है कुकिंग करना। हालांकि अक्सर मुझे अम्मा कहती है कि तुम इतना ज़्यादा ना वक्त ना किया करो, बाहर से कुछ मंगवा लेंगे। उन्हें बहुत होता है कि मैं गर्मी में या सर्दी में इतना कुछ बनाती हूँ, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं कहती हूँ नो मामा इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, मुझे पसंद है, मैं शौक से बनाती हूँ, बस आप लोग इंजॉय करते हैं मेरे खाने को, मुझे इसी में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अच्छा, चिकन पटाटो जो चीज़ बॉल थे उनको हमने रख दिया फ्रिज में कि एक दफ़ा वो ठंडे हो जाए। यहाँ पे तैयारी हो रही थी जी पुलाव की, और पुलाव में मैंने कुछ नहीं डाला, जो कुछ ऐड किया आपके सामने किया, पहले भी गोश्त बॉयल करते हुए और अब भी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर 4 से 5 रेसिपीज़ बना रहे हैं तो सारी की सारी इतनी मज़े की बनती हैं, और कभी कभी ऐसे होता है कि उनमें से एक दो फ्लॉप और बाकी भी बकवास। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन ऐसा था कि यहाँ पर मेरा पुलाव इतना कमाल का था और चीज़ बॉल इतने मज़े के थे और रस मलाई भी, कि सबने इतनी तारीफ़ की कि मैं खुश होगी कि मेरी मेहनत है ना वो रायगा नहीं गई ना, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा बना है। जरा दही लेके आओ, और ये ब्रेड क्रम्स भी बना लिए हैं, अब हम फ्राई करते हैं। और ये रखा हुआ दम पे हमने पुलाव को, अब हम बनाते हैं जी पकौड़े भी बनाने। अभी ये मैं कटिंग कर रही हूँ साथ, और ये चीज रोल जो है ना उनको पहले करते हैं फ्राई। हमारे आज के मेन्यू में शामिल थे चिकन चीज़ बॉल, रस मलाई और बीफ पुलाव, और इसके अलावा चौथी चीज़ क्या थी, दही भल्ले। और अब आ रहे मेहमान तो अब ज़ारा बेचारी जो है वो कटिंग कर रही है पकौड़ों की, और मैं ये मसाला बनाती हूँ पकौड़ों का। तो अब हमें पकौड़े और सैंडविच वो पड़े हैं, अब दोबारा हमें दो चीज़ें और ऐड करनी पड़ी हैं, और हम लोग बहुत थक चुकी हैं, है ना ना। मैं बोल भी नहीं सकती और ज़ारा से बोला भी नहीं जा रहा, और हमारे बर्तनों का ढेर, आंटी देख के परेशान होंगी। इतना तो ऑयल जाता है आजकल फ्राई में, तोबा तोबा तोबा। अच्छा, ज़ारा ने ना तरक्की कर ली है, ये कुक से शेफ होगी, आज तक ही सिर्फ दही भल्ले और सैंडविच बनाती रही है, तो आज ही मिक्स करिए पकौड़ों का मिक्सचर। अच्छा, मैं उठा लूँ ज़रा, इधर रखो इधर रखो इधर रखो, इसको फ्राई करें आप इसको। बॉल्स की यहाँ पे करनी है कोटिंग, सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे हल्का हल्का सा, और उसके बाद जी इस तरह से
डिप करेंगे दोबारा से ब्रेड क्रम्स के अंदर, ऊपर से प्रेस कर लेंगे और थोड़े से ब्रेड क्रम्स और लगाएंगे और इस तरह से अपनी सारी जो बॉल्स हैं उन्हें सेट कर लेंगे और करेंगे इन्हें फ्राई। और पहले मैं सोच रही थी सारी कटे डाल दो, फिर मैंने कहा नहीं, अगर सारे डालूंगी तो ये अंदर जाके क्रैक हो जाएंगे, टूट जाएंगे और सारी जो मेरी मेहनत है वो ज़ाया जाएगी। मेरा बेटा ये देखो ज़रा सही बन गया ना, वाह। इसके अंदर टिश्यू रखो ज़रा इधर करके, इधर थोड़ा करो ना इधर। पांजी, वो भी इसको देख के आओ। अच्छा जी, चीज़ बॉल्स जो है वो हमने फ्राई कर लिए थे और इतने को क्रिस्पी और क्रंची बने थे ना ये कि बस कमाल। ये ज़ारा ज़िंदगी में पहली दफ़ा फ्राई करते हुए पकौड़े शरीफ। अच्छा, जब हम लोग ने यहाँ पे ये फ्राई किए ना, ये चीज़ बॉल्स और पकौड़े बनाए तो हमें पता चला कि मेहमान आ रहे हैं और वो लोग हैं जी 5 लोग और अब हमें समझ नहीं कि हम लोग क्या करें। और अफ्तारी वैसे ही बड़ा सवाब का काम होता है, तो चेंज करो इसकी साइड, चेंज करो ज़ारा। चावल, सॉरी, हमारा पुलाव भी बन गया, को कवर करके रखते हैं। खैर, अल्लाह अल्लाह करके सारा कुछ पूरा आ गया हुआ था और बाहर भी कुछ चीज़ें भिजवाई और समोसे वगैरह मंगवाए मेहमानों को और ये हमारी अपनी जो ख्वातीन थी उनकी अफ्तारी थी यहाँ पर। तो बस आज का रमज़ान में सहरी, अफ्तारी, इबादत, नमाज, कुरान पाक, माशाल्लाह से इतना कोई पुरनूर महीना है ना। तारी के बर्तन और ज़ारा का भी रोल रहता है, चिकन बॉल, सॉरी टोटो बॉल्स। चलो ये बर्तन उठाओ अब सारे। अच्छा, अफ्तारी करने के बाद सबको मैंने चावल दिए और यहाँ पे मेरा सारा मेरी तरफ से काम ख़त्म हो गया था कि बस ठीक है अब चाय पीते हैं और सुकून से अपने अपने बिस्तर में जाके आराम करते। लेकिन नहीं, अपा ने कहा मैंने तो चावल खाने थे, मुझे सैंडविच बना के दो। फिर उनके लिए सैंडविच बनाया और उन्हें देने के बाद फिर सबने चाय पी और मैंने भी खाना नहीं खाया था बिकॉज बना के मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने को। तो रात को मैंने बहुत लेट नाइट जाके ये चावल खाए, सबसे एंड पे मैंने खाना खाया और बस आज का मैं व्लॉग यही एंड कर रही हूँ। जल्द इंशाल्लाह सुबह भल के 7वें रोज़े की सहरी, अफ्तारी और रूटीन के साथ हाजिर होती है। अल्लाह हाफिज़।